भारत बांग्लादेश से ओडीआई सीरीज 2-0 से हार गया है, लेकिन रोहित शर्मा ने इसी बीच एक ऐसा काम किया है जिससे उन्होंने सारे भारतीय लोगों के दिल को जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात यह है दोस्तों, जब भारत की गेंदबाजी चल रही थी तब स्लिप में एक कैच पकड़ते पकड़ते रोहित शर्मा काफी ज्यादा चोटिल हो गए और ये साफ साफ दिख रहा था कि उनके हाथ से काफी खून भी बह रहा है। इसी वजह से वो पूरे भारतीय गेंदबाजी के समय में फील्ड पर नहीं आ सके, लेकिन बैटिंग में भी वो ओपनिंग के लिए नहीं आ सके। इसके बाद भारत की हालत काफी खराब होती गई दोस्तों और आखिरकार रोहित शर्मा 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। तब तक मैच जीतना काफी मुश्किल हो चुका था, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने एक जिगरी पारी खेलते हुए भारत को जिताने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके। यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि या थोड़ा अगर दीपक चहर या मोहम्मद सिराज उनको अच्छे से साथ देते थे तो अफकोर्स वो भारत को मैच जिताने में कामयाब हो सकते थे। आपको बता दें कि लास्ट के 2 ओवर में भारत को जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत थी, फिर भी रोहित शर्मा ने अकेले ने 35 रन इन 2 ओवरों में निकाले। हालांकि वो 5 रन ही दूर रह गए जिताने से, लेकिन फिर भी उनके चोट के बावजूद ये जिगरी पारी की काफी ज्यादा तारीफ होने वाली है दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने 9वें नंबर पर आके 28 गेंदों में 51 रनों की यानी 51 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट था दोस्तों तो 182.14 का। हालांकि फिर से बता दूं दोस्तों, अगर मोहम्मद सिराज या दीपक चहर में से कोई अगर उनका थोड़ा और साथ दे देता था, कम गेंदे खेलता था या फिर थोड़े 1-2-4 रन अगर एक्स्ट्रा बनाता था तो रोहित शर्मा 100% भारत को मैच जिताने में कामयाब होने ही वाले थे, क्योंकि उन्होंने काफी जबरदस्त तूफानी पारी के लिए दोस्तों और काफी कोशिश की भारत को जिताने की, लेकिन आखिरकार 5 रन शॉर्ट रह गए भारत और ये मैच भारत हार गया। और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के बीच की लगातार दूसरी बार भारत ओडीआई सीरीज हार चुका है। साल 2015 में भी भारत 2-1 से सीरीज हारा था और इस बार अभी तीसरा मैच होने वाला है, लेकिन 2-0 से ऑलरेडी भारत ये सीरीज हार चुका है। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के इस जबरदस्त पारी के लिए, एक चोटिल होने के बावजूद जबरदस्त पारी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि रोहित शर्मा का ये बड़ा कारनामा सब तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और गुड बाय।